आज से 10 साल पहले मोटू पतलू बहुत गरीब थे। उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए खाना नहीं था। वह किसी तरह दूसरों से मांग कर खाना खा लिया करते थे। एक दिन मोटू पतलू का सारा खाना खत्म हो गया। किसी तरह बिना खाए पिए मोटू पतलू के 4 दिन बीत गए। पतलू, बहुत भूखा हूँ, अगर मुझे खाना नहीं मिला तो भूख के मारे मैं मर जाऊंगा। पतलू, कुछ करो। पतलू को भी बहुत भूख लगी थी, उसने भी 4 दिन से कुछ नहीं खाया था। मोटू, तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए खाना लेकर ही लौटूंगा, तुम चिंता मत करो। पतलू घर से निकलकर खाने और पैसे की तलाश में इधर उधर भटकने लगा, लेकिन कई घंटे घूमने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। तो वह एक जगह बैठकर रोने लगा। तभी अचानक धरती के नीचे से एक भूत निकला। वह भूत दिखने में बहुत ही खतरनाक था। भूत को देखकर पतलू बहुत ज्यादा डर गया। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जहां तुम बैठे हो उसी के नीचे जमीन में मेरा घर है और वहीं मैं रहता हूं। तुम रो क्यों रहे हो? पतलू ने सारी बात भूत को बता दिया। भूत ने कहा, अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हें पैसा भी दूंगा और खाना भी, लेकिन अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इधर तुम्हारी मौत हो जाएगी, उधर खाना न मिलने के कारण तुम्हारे दोस्त की मौत हो जाएगी। मैं अपने मोटू के लिए खाना भी ले जाऊंगा और पैसे भी कमाऊंगा, आप सवाल पूछिए। भूत सवाल पूछता है, उस चीज का नाम बताओ जिसे आग जला नहीं सकती, हथियार उसे काट नहीं सकते, पानी उसे भिगो नहीं सकता और मौत उसे मार नहीं सकती। पतलू थोड़ी देर रुक कर सोचता है और उसे जवाब आ जाता है। पतलू जवाब देता है, परछाई, क्योंकि परछाई को ना आग जला सकती है, ना हथियार काट सकते हैं, ना पानी भिगो सकता है। पतलू का जवाब सुन भूत बहुत खुश हो जाता है। वह पतलू को ढेर सारा पैसा देता है और ढेर सारा खाना देता है। वह अपनी जादुई शक्ति से पतलू को उसके घर मोटू के पास पहुंचा देता है। मोटू पतलू को देखकर बहुत खुश हो जाता है। दोनों लोग पेट भर खाना खाते हैं। पतलू सारी बात की मेरे साथ क्या हुआ और मैंने इतना सारा पैसे कैसे कमाया मोटू को बताता है। दोनों लोग खूब